देखो आज क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। हाँ, हमने ऑलरेडी एसी चलाना भी शुरू कर दी। सो गाइस, वेलकम टू द 72nd व्लॉग ऑफ #SandraVlogs और हैप्पी होली फाइनली ओवर हो चुकी है, विच इज बाय होली। और अब हम मनाएंगे अगले साल होली, विच इज विल बी वेरी गुड, और जो भी मजे करेंगे। इस साल हमने मजे नहीं किए क्योंकि हमने हल्की हल्की होली खेली, बहुत हल्की है। मतलब मानस तो बच्चा है ना, इसलिए वो थोड़ा खुश हो जाता था, इसलिए उसने थोड़ा ज़्यादा हो गया। बिकॉज हमारा ना 2021 में एक पर्सनल लॉस हुआ था, तो इसकी वजह से हमने ज़्यादा होली नहीं खेली और जो नॉर्मल थी वो थी। और अभी जो है आज का डेट है, जल्दी बता। कल होली थी 18, हाँ आज 19 मार्च 2022। और ये देखो आज क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। हाँ, हमने ऑलरेडी एसी चलाना भी शुरू कर दिया है एक कमरे का, क्योंकि पापा की अभी भी पट्टी जैसे बंदी होती है। हाथ तो हल्का हल्का ठीक हो गया, बट पट्टी में गर्मी बहुत लगती है, क्योंकि यहाँ तक बंदी है पूरी, तो इसलिए पापा को गर्मी लगती है। तो मम्मा ने अपना कबट समेट लिया, ये देखो ये सारे कपड़े फैले हुए हैं, और ये देखो क्या हो गया। हम कपड़े रख रहे थे और एकदम से ये ऊपर गिर गई, और इसने ऐसी चीख मारी, बेचारे सारे कॉकरोच डर के भाग गए, और मानस को भी जगा दिया। और ये देखो सारे अभी तक कपड़े फैल रहे हैं, ये देखो पापा का तो, ओहो एक सेकेंड अम्मा, ये देखो पापा का तो पूरा कबर्ड सेट हो गया। गर्मियों के कपड़ों में ऐसे लगते सब हल्का हल्का हो गया। और मम्मा अभी अपना सेट कर रहे हैं, और कूड़े देखो कमरे में कैसे कूड़ा मचा हुआ है। और ये ऑलरेडी जगह है नहीं, अपनी साइकिल और ले आयो आप मानस, कलर तो अभी भी नहीं हटा, आज इसको रगड़ रगड़ के दोबारा नहलाएंगे, कल तो मार खा के नहाया था, दोबारा नहाएगा। और अभी का टाइम हो रहा है 12:30, तो अभी तक हम कपड़े कर रहे हैं, उसके बाद हम लंच करेंगे क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी मैं नहाऊँगी, पहले तो ब्रश तो मैं कर चुकी हूँ, नहाऊँगी, सारे नहाएंगे, फिर जाके होगा सब कुछ। तो गाइस अब सफाई फाइनली ख़त्म हो चुकी है, मम्मा ने कपड़ों के साथ साथ अपने पापा के कपड़े तो निकाले ही गर्मी के, उसके साथ साथ मम्मा ने नीचे दीवान भी सेट कर लिए सब कुछ। अब जो है कमरे का ट्रांसफॉर्मेशन सुंदर हो चुका है, कि कमरा बिल्कुल अब साफ सुथरा हो चुका है। ये वाला कमरा भी नीट एंड क्लीन है, हमारा कमरा भी साफ है, और मम्मा का भी साफ कर दिया, और ड्राॅइंग रूम भी नीट एंड क्लीन कर दिया। तो आज तो सफाई वाला डे हो गया। और अब इतनी ज़्यादा मेरे सर में दर्द हो रही है, और अभी जो है बस मैं नहाने जाऊंगी, अभी मम्मा और मानस गए हैं, क्योंकि ऊपर से पपड़ी सारी मम्मा के बालों में गिर गई थी, तो इसलिए मम्मा ने कहा कि अब मेरे को सर ही धोना पड़ेगा, तो इसलिए मम्मा और मानस गए हैं नहाने, उसके बाद जाऊंगी मैं, फिर उसके बाद हम करेंगे अपना लंच। अब लंच में पता नहीं क्या है, देखते हैं। ये तो गिर ना जाए पापा को, अभी उड़ गई। एक सेकेंड, ये तो हाथों हाथ पीनी पड़ेगी पापा को, ये अभी अभी उड़ते उड़ते बच गई मुंह के ऊपर, ढक्कन ले जल्दी हटो। ये क्या है मम्मा? सोडा। प्यारे प्यारे बच्चों आ जाओ खाने के टर्न, ये देखो कैसे 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 एकदम वो हो जाते हैं पूरे की, बस अब खाना मिलने वाला है। अभी दे रही हूँ रुक जाओ, जिनको पेट भर के खाना देते हो सारा का सारा, क्योंकि इनको बहुत भूख लगती है। एक सुबह मिलता है इनको सुबह, वो भी 7 बजे जब पापा जाते शॉप पे, और एक अब तो ऑब्वियसली भूख तो लगेगी। अब मैं दिखाती हूँ अपनी प्रिटी प्रिटी फिशेस, तो ये देखो कैसे खा रही हैं, ये देखो अब एकदम से आएंगी और खाएंगी एक। तो गाइस ये वाली गाड़ी बिल्कुल रुक चुकी है, अभी का टाइम हो रहा है 6, लेकिन यहाँ पे टाइम आ रहा है 9:30, तो ये वाली घड़ी बिल्कुल रुक चुकी है। तो अब हमें इसके सेल डालने, तो पहले तो मैं इसको उतार देती हूँ, क्योंकि रुकी हुई घड़ी कभी भी घर में नहीं रखते, पता नहीं मेरे से उतरेगी या नहीं, कर देखते हैं। फाइनली मैंने उतार ली, और हरे कितनी मिट्टी से भरी हुई है, इसको मम्मी पास लेके चलते हैं पहले तो। ये लो मम्मा घड़ी। तो गए सब पापा वगैरह, पापा ने चाय पी ली थी, और पापा मम्मा गए हैं किसी काम से नीचे, और यहाँ मानस और हम बैठे हैं, और हमारा सारा काम ऑलरेडी हो चुका है, हम अपनी पढ़ाई वगैरह भी कर चुके हैं, तो हमने सोचा यार सब कर ही चुके हैं, और टाइम आज है, तो अब कल तो है संडे, तो आज हम एक मूवी देखते हैं, और वो भी हॉरर वाली,
मानस तो बच्चा है तो मानस को तो हम फोन दे देंगे, वो कुछ अपना फोन में देखता रहेगा। और वैसे भी मानस अभी 15-20 मिनट में जा रहा है, क्योंकि मम्मा पापा ने कहा है तो मानस से प्रॉमिस किया था, और फिर मानस रोता है अगर प्रॉमिस टूट जाता है कि मम्मा पापा उसको नीचे बुलाएंगे। अभी मानस जा रहा है ना तो नवु और मैं देखेंगे। और नवु तो एक नंबर की डरपोक है, जिसका हॉरर मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो नवु यहाँ बैठी है, इधर देखिए और अपना इंटरव्यू दीजिए कि आपको हॉरर मूवी के बारे में क्या ओपिनियन है। तो अपना ओपिनियन दीजिए, आपको हॉरर मूवी के बारे में क्या ओपिनियन है। तो मैं एक नंबर की डरपोक हूँ, और पहले ही बेकार से शुरू कर दिया थोड़ी थोड़ी है हॉरर मूवी, मतलब इतनी नहीं पसंद। तो मैं बहुत डरती हूँ, और मेरे को रात को डर भी लगता है, फिर मम्मा पास सोना पड़ता है। तो वैसे भी अभी हम उसी कमरे में सो रहे हैं, क्योंकि एक ही कमरे का भी हमने एसी सर्विस अभी हमने कराया नहीं है, वो हमने ऑलरेडी ऐसे चला ली है, वो अब सर्विस कल होगा, तो इसलिए अभी हम उसी कमरे में खट्टे सोते हैं मम्मा के पास। तो आज क्या डर है, हम तो मम्मा के साथ ही सोते हैं, तो इसमें क्या डर है। पिछली बार देख ली थी तो मैं 2 दिन तक मम्मा के रूम में सोई थी। कोई बात नहीं, मानस को डर लगता है हॉरर मूवी से? नहीं। ये जो है हम नेटफ्लिक्स में मूवी देख रहे हैं। आपको एनिमे अच्छा लगता है? एक सेकेंड मैं बताती हूँ। इसमें मैंने कॉन्जुरिंग देख ली, कॉन्जुरिंग 2 देख ली, और नीचे गए, और इसमें मैंने एनाबेल कम होम्स देख ली, और नीचे गए नन नन नहीं देखी मैंने, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे इंसीडियस नहीं देखी। एक सेकेंड, ऊपर मैंने एनाबेल वाली भी देख ली, और मैंने कौन सी देखी है, वेरोनिका भी देख ली, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, ठीक ठीक थी, बहुत डर लग रहा था उसमें। हाँ तो बस हमने इतनी देखी है। तो गाइस मैं तो हॉरर मूवी की इतनी बड़ी शौकीन हूँ, मुझे तो हॉरर मूवी बहुत पसंद है। डर नहीं लगता वैसे सपनों में, तो आएगा जब ऑब्वियसली देख रहे हैं तो कॉमेंट करके बताना कि किस किस को हॉरर मूवी पसंद है। हैरी पॉटर नहीं, वो हॉरर में नहीं आता। चल लगाना यार जुमांजी। तो गाइस हमारी मूवी शुरू हो चुकी है, हम देख रहे हैं एनाबेल। हम ऑलरेडी वो देख चुके हैं, पर हम फिर भी देख रहे हैं कि यार बार बार देखने में मजा आता है, क्योंकि दूसरी मूवी और ज्यादा डरावनी हो तो फिर मेरे पे नाम आएगा कि मैंने इसको डरा दिया नवु को। मानस तो अपना फोन देख रहा है, और हम जो है मैं एक्सपर्ट हूँ डांट पड़वाने में। वो तो है ही, वो आपको धीरे धीरे करके और जितने ब्लॉग देखोगे ना उससे आपको और जानकारी मिलेगी। कितनी बड़ी 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 शिकायती वो है, शिकायती लड़की, कितनी शिकायत करती रहती है हर बात पे। हाँ तो अभी हम मूवी देखेंगे, और मानस तो वैसे ही जाने वाला, और वो ऑलरेडी अपना फोन लेके बैठ गया है, और बस उसके बाद अभी मेरे को जोर भी चलानी है तो मैं पूजा करके भगवान आज हनुमान चालीसा पढ़ लूंगी ताकि डर ना लगे। वैसे वो तो नवु को करना चाहिए। तो और हाँ हम लाइट बंद नहीं करेंगे, उससे और डांट पड़ेगी। अभी मैंने बोला ना शिकायती लड़की कितनी बढ़ी है। नहीं नहीं ओ, आए। तो मानस ही फोन देख देख। नहीं नहीं मानस तो बहुत देर से फोन देख रहा था, हमने उसको नहीं दिखाई मूवी। ओ भाई दबु कैसा लग रहा है नहीं यार ऐसे मत कर, लोग बोलेंगे बहन कितनी गंदी है, जान नहीं कर रही है। ओह गॉड पागल हो गए लोग, माफ करी। आगे आगे भी तो बोल। तो गाइस अभी हमने हाफ मूवी देखी है, हाफ हम देखेंगे अभी बाद में, क्योंकि अभी टाइम हो रहा था पूजा करने का। तो ना वो पूजा करेगी पहले, तो ना वो जला रही है जोत, फिर उसके बाद हम नवु नवु कितनी मतलब डरपोक है। पूजा तो हमें ऑब्वियसली करनी थी, लेकिन इसको भी अभी करनी है जब मूवी का आधा पार्ट चल रहा है, और अब तो मेन शुरू होगी, तो अब हम देखेंगे। बस 1 घंटे की और रह गई, और फिर उसके बाद मूवी खत्म हो जाएगी, फिर जो मूवी शुरू होगी वो रात को शुरू होगी। ठीक है मत देख, मैं तो देख रही हूँ, तू मत देख। ऑब्वियसली ऐसी चीजों के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए जो किसी को पसंद नहीं है। मैं कॉमेडी ना मानस छोड़ो, फिर मैं आप नीचे नहीं जाओगे, मैं कॉमेडी मूवी देखूंगी। और अभी तक मम्मा कहाँ आए हैं? कॉमेडी में डर भी नहीं लगता, और रात को नींद भी आ जाती है, और ओ गॉड
और अभी मम्मा आई नहीं है, मम्मा आने वाले तो मानस को जा रहे हैं 5-10 मिनट। सो गाइस ऑरेंज मूवी तो मैंने देख ली थी थोड़ी सी, बाकी नवू को बोल दो, नवू को हाँ नवू को बोल दो, नवू को। तो आंटी बीच में रह गई क्योंकि मानस भी चला गया और नवू भी चली गई, तो फिर उसके बाद मैंने अपना काम ही कर लिया कि मैंने सोचा क्या अकेले देखू बैठ के, ऑलरेडी हॉरर मूवी अकेले कौन देखता है। अब तो रात को ही पता चलेगा जितनी आधी देखी है वो अब कल बताएंगे कि सपना आया कि नहीं आया। तो गाइस होप कि आपको हमारी ब्लॉग पसंद आएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट कर देना और मेरी बाकी वीडियोस को भी लाइक शेयर कमेंट कर देना। और गुड नाइट, आई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।